अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करते हैं सब खैर खैरियत से होंगे। इसी के साथ आज का गोल्ड कट एनालिसिस कर दे दें आप लोगों को। गोल्ड की मैंने कुछ ट्रेड्स लगाई हैं और यहाँ से उम्मीद थी यहाँ से मार्केट रिवर्स देती, लेकिन मार्केट ने यहाँ से रिवर्स नहीं दिया। मार्केट का जो एरिया है 1818 का एरिया है, यहाँ पर मैं एक और 1818 पे आएगी, यहाँ से मैं एक और सेल लूँगा। यहाँ से मेरी जो मेरा SL है 1820 का, यही मेरा SL रहेगा। सही है, क्योंकि अगर 1820 ब्रेक करती है तो उसके बाद मार्केट बुलिश में एंटर हो जाएगी। सही है, यहाँ पे मार्केट अभी रेंजिंग सिचुएशन में है, जो कि हम H1 में देख रहे हैं सिचुएशन। अभी तक रेंजिंग सिचुएशन में यहाँ पे एक हाई करा था, यहाँ पे डबल टॉप बना के मार्केट यहाँ से भी नीचे आ सकती है। तो हमारे पास ये दो सिनेरियो होंगे सेलिंग के, और टारगेट हमारा ज़्यादा नहीं, टारगेट हमारा 1800 ही होगा। इससे ज़्यादा हमारा टारगेट नहीं होगा, तकरीबन 180-200 पिप का हमारा टारगेट होगा। इससे बड़ा हमारा टारगेट नहीं होगा, और SL जो है SL हमारा 20 पे होगा। इसी तरीके से हमें सेलिंग के लिए भी हम यही वो बाइंग के लिए भी हम यही करेंगे। यहाँ से हम बाइंग देखेंगे 1800 से, और हमारा टेक प्रॉफिट 100 पिप का होगा। SL हमारा होगा 50 पिप का SL होगा, 95 का SL होगा। या अगर प्रेशर से ब्रेक कर दिया 1800 तो फिर हम वेट करेंगे 95 या 90 से ट्रेड लेने की, 1795 to 90 से। H1 में ये ट्रेंड लाइन दिखा रहा है। अभी हम एक काम करते हैं, यहाँ पे RSI देखते हैं, शायद RSI में डाइवर्जेंस मिल जाए हमें। RSI में फिलहाल तो कोई ऐसी हमें डाइवर्जेंस मिली नहीं है, तो RSI की तो यहाँ पे हमें कोई ट्रेड अभी फिलहाल मिल नहीं रही है। सही है, तो RSI को हटा देते हैं। तो ये कुछ ट्रेड्स थी गोल्ड की। उसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूं, जो है मैंने अकाउंट स्टार्ट करा 3000 से। 3000 से अकाउंट स्टार्ट किया था, और तकरीबन इस पे एक महीने में $5000 तक का प्रॉफिट आ चुका है। हमारा टारगेट जो है वो $20000 तक का है। अभी ये अकाउंट टोटल कोई 8900 पे आ चुका है ना, 8900 पे इसका बैलेंस आ चुका है। बाकी अभी ट्रेड चलनी है, ये इन ट्रेड की क्लोज पे भी देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। और बाकी किसी को भी मार्केट डेटा क्लब में और 3000 से 20000 वाली जर्नी वाले क्लब में या फिर टीचिंग क्लब में आना हो तो मुझे प्राइवेट इनबॉक्स कर सकता है। मैसेजेस काफ़ी सारे थे जिसकी वजह से मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा। अभी मैंने एक असिस्टेंट हायर किया है, वो प्रॉपर मेरे मैसेजेस रीड कर रहा है और सबको जवाब दे रहा है। सही है, सब अपना ख्याल रखिएगा, सब हिफ्ज़ अमान में रहें। अल्लाह हाफिज़।